मनरेगा जो एक मजदूरी या रोजगार का सपोर्ट सिस्टम है, उसकी चर्चा न कहीं ग्राउंड पे है, ना वो कहीं दिखा। हम लोगों ने जब आंकड़ों को देखा तो मनरेगा के विषय में ये पता चला कि बिहार में मनरेगा का यूटिलाइजेशन जो है वो 39% है। मतलब अगर जो 100 दिन मजदूर को जो लोगों को हर परिवार से रोजगार की जो गारंटी है, उसके मुकाबले पिछले साल ये 39% रहा। और उसमें भी पूर्वी चंपारण जिस जिले में हम लोग बैठे हुए हैं, वो बिहार के सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रहा है, सबसे खराब प्रदर्शन वाले डिस्ट्रिक्ट में रहा है। यहाँ पर मनरेगा का ऑफटेक 33% रहा है। जो भी कुछ मनरेगा के नाम पर हो रहा है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर लूट, भ्रष्टाचार। लोग बताते हैं कि मनरेगा में 40-50% तक पीसी और भ्रष्टाचार के जो भी राशि आती है पीसी और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये है कि बिहार जैसे राज्य के लिए मनरेगा, जहां रोजगार का एक बड़ा साधन बन सकता था लोगों के रोजी रोजगार के लिए, उसमें ऑफटेक ही 35-40% का होना, मतलब 60% राशि तो हम